वेलकम टू माय चैनल चीज़ बैग्स। आज हम बना रहे हैं गेहूं की खीर। ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डेजर्ट है जिसे आप गर्म या फिर ठंडा भी सर्व कर सकते हो। ये काफ़ी यमी और टेस्टी लगती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल क्रेविंग्स। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूँ लिया है जिसे मैंने 4 घंटे तक भिगो के रखा था गर्म पानी में। दूध 1 लीटर, गुड़ 1 कप, पानी, ये गीला कसा हुआ नारियल है 2 कप, ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने चॉप किए हुए, इलायची पाउडर 1 बड़ा चम्मच और चीनी 3 छोटे चम्मच। 4 घंटे बाद गेहूं में से पानी निकाल लीजिए और गेहूं को पीस लीजिए। ध्यान रखिएगा कि हमें गेहूं को ज़्यादा नहीं पीसना, हमें इसकी फाइन पेस्ट नहीं बनानी, इसका बस छिलका निकल जाए उस हिसाब से हमें पीस लेना है। तो कम से कम स्पीड पे 5 से 6 बार हमें पीस लेना है। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। ये अब इसे एक बर्तन में लीजिए और उसमें 2 बार पानी डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करके इसके छिलके अलग कीजिएगा। पानी डाल के ये छिलके हमें अलग करने हैं। ध्यान रखिए कि हमें ये पानी वापस इस्तेमाल करना है, तो इस पानी को फेंकिएगा नहीं। यहाँ पे मैंने छिलके गेहूं के अलग कर दिए हैं। उसके बाद मुझे गेहूं को उबालना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसके सारे छिलके निकल जाए। ये 3.5 कप पानी है गेहूं का। अब एक कुकर लीजिए, उसमें धोए हुए गेहूं डालिए और 3.5 कप पानी डालिए। उसके बाद मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच घी, इलायची पाउडर और चीनी, और इसे धीमी आंच पे 7 सीटी होने तक पकाया है। ये देखिए ये गेहूं पक चुके हैं। अब एक बर्तन में गुड़ और 1/2 कप पानी लीजिए, इसे उबाल लीजिए और इसकी हमें थिक सिरप बनानी है। अब एक पतीले में मैंने लिया है दूध 1 लीटर, इसे धीमे आंच पे 7 मिनट तक पकाया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल, चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट, इसे वापस हम धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हमें इसमें डालना है पकाए हुए गेहूं। इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकाइएगा। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें और थोड़ा दूध डाल सकते हो। खीर जब ठंडी हो जाए उसके बाद ही हम इसमें गुड़ का मिक्सचर डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि खीर थोड़ी ठंडी हो जाए। अगर हमने गुड़ गरम खीर में डाल दिया तो दूध फटने के चांसेस रहते हैं।
इसे अच्छे से मिलाएं और ध्यान रखिएगा कि हमें खीर को बार बार गर्म नहीं करना है। और हमारी खीर तैयार है, आप इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ सर्व कीजिएगा एंड एन्जॉय।